नमस्कार, हिंदी आचार्य चैनल पर आपका स्वागत है बच्चों। बच्चों, इस वीडियो में हम स्वामी हरिदास जी के बारे में जानेंगे और फिर उनके पद अर्थ सहित समझेंगे। बच्चों, जो स्वामी हरिदास जी हैं वो 15वीं शताब्दी के महान वैष्णव संत हुए हैं। भगवान श्री राधा कृष्ण जी के भक्त थे ये, और संगीत का भी इनको बहुत ज्ञान था। जो शहनशाह अकबर के दरबार में जो नौ रत्न हैं उनमें से एक जो तानसेन है, संगीत के जो बहुत बड़े वो माने जाते हैं ज्ञानी, वो इनके ही शिष्य थे। इनसे ही उन्होंने संगीत की शिक्षा ली है। तो अकबर भी इनके दर्शन करने के लिए आया था। तो स्वामी हरिदास जी भगवान श्री राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं, सन्यासी हैं, बैरागी हैं, भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाओं में भी हम श्री राधा कृष्ण के बारे में जान सकते हैं, उनकी लीलाओं के बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। और स्वामी हरिदास जी के बाद फिर उनको मानने वाले जो भक्त थे उन्होंने अपना संप्रदाय भी चलाया, हरिदास संप्रदाय। तो वैष्णवों में स्वामी हरिदास जी का बहुत महत्व है। लगभग 500 साल पहले ये संत हुए हैं भारत के। ये जो चित्र आप देख सकते हैं ये भारत सरकार की ही पोस्टल स्टैंप में से मैंने लिया है। तो आओ बच्चों, चलो शुरू करते हैं, स्वामी हरिदास जी की वाणी सुनते हैं। काहू को बस नाही तुम्हारी कृपा ते सब होए श्री बिहारी बिहारिन। अब स्वामी हरिदास जी कहते हैं कि हे बिहारी बिहारिन, यानी कि बिहारी श्री कृष्ण जी को, बिहारिन श्री राधा जी को। बिहारी यानी कि विहार करने वाला, यानी कि घूमने वाला। वो वृंदावन की कुंज गलियों में घूमा करते थे भगवान श्री कृष्ण, इसलिए उनको बिहारी कहा जाता है। तो कि हे राधा कृष्ण, तुम्हारी कृपा से ही सब कुछ होता है। काहू को बस नहीं, किसी और व्यक्ति का कुछ बस नहीं है कुछ भी करने का। सब कुछ तो परमात्मा तुम्हारी ही कृपा से होता है। और मिथ्या प्रपंच काहे को भाषीय सोतो है हारिनी। कि इस माया के बारे में अगर हम बात करें तो ये इस प्रपंच के बारे में किससे भाषी भाषी है, यानी कि किसको इस बारे में बताएं। ये तो है हम लोगों को हराने के लिए ही आई है। जाहि तुम सो हित तासो तुम हित करो सब सुख कारणी। कि हे प्रभु, जिस पर तुम्हारा हित होता है, जिस पर आप कृपा करते हैं, उसको तो सब तरह के सुख आप दे देते हैं। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी प्राणन के आधारणी। स्वामी हरिदास जी कहते हैं कि हे स्वामी, हे श्याम कुंज बिहारी भगवान श्री कृष्ण, आप ही मेरे प्राणों के आधार हो, मैं आपकी वंदना करता हूँ। हे हरि मोसो ना बिकारन को तो सोना संहारन को मोही ताही परि होड़। अब स्वामी हरिदास जी इस पद में कहते हैं कि हे हरि, मुझसे कभी मत बिगाड़ना, मुझसे कभी मुंह मत मोड़ लेना, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरे कोई भी मुझ पर कोई कृपा नहीं करेगा, मेरी कोई बाजू नहीं पकड़ेगा। हे प्रभु, कौन धो जीते कौन धो हारे परिबादी ना छोड़। तुम्हारे बिना कौन है, कौन था और कौन है। हे परमात्मा, तुम्हारे बिना बाकी सब लोग तो मुझे छोड़ गए, लेकिन परमात्मा तुम मुझे मत छोड़ देना। तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र मोहे मुनि काके भूले को। हे परमात्मा, आपकी जो माया है वो तो अपनी विचित्र लीलाएं करके इतना पसारा उसने किया हुआ है कि बड़े बड़े मुनियों को भी उसने भुला दिया परमात्मा को। कहे हरिदास, हम जीते हारे तुम तहु न तोड़। कि हे प्रभु, मैं हार मान लेता हूँ आपके सामने, लेकिन आप कृपा करके मुझे छोड़ मत देना। आगे देखते हैं। हरि भजी छाड़न मान नर तन को। कि हरि की का भजन करो। हे मनुष्य, अपने नर तन को, यानी कि एक मनुष्य के शरीर को, उस पर जो आपका मान है ना, घमंड है, उसको छोड़कर हरि का भजन करो, हरि का भजन करो। जिन बंचरे तिल तिल धन को। कि वो लोग नरक की आग में तिल तिल कर जले हैं जिन्होंने विसार दिया है परमात्मा को, जो बिछोड़ा मिल गया है, यानी कि जो परमात्मा से विमुख हो गए हैं, वो बहुत ही दुख उन्होंने पाया है। अनमागे आगे आवेगो जो पल लागे पल को। कि और कोई मार्ग लेने की जरूरत नहीं है, परमात्मा के ही अपनी पलकों में उसको बसा लो। कह हरिदास, मीच ज्यो आवे त्यों धन आप उनको। जैसे कि स्वामी हरिदास जी कहते हैं कि जिस तरह से परमात्मा को भी एक, ये परमात्मा का जो धन है यह भी एक तरह का धन है, भक्ति भी एक तरह की श्री है, यह भी एक तरह की लक्ष्मी है, तो यह भी मेरे लिए परम धन है परमात्मा की भक्ति। संसार समुद्र मनुष्य मीन नक्र मगर और जीव बहु बंद सी। कि यह जो संसार रूपी समुद्र है, इसमें जो मछलियां हैं, मगरमच्छ हैं, दूसरे जीव हैं और मनुष्य हैं, बहुत तरह के जो जीव हैं वो परमात्मा की वंदना करते हैं। बन ब्यार प्रेहे स्नेह फंद फंद सी। वो परमात्मा की वंदना करते हैं लेकिन उनके मन में क्या है, स्नेह का फंदा फंस जाता है, यानी कि वो मोह माया में
इतना ज्यादा फंस जाते हैं कि फिर वो परमात्मा को भूल जाते हैं। और लोभ पिंजरा लोभी मरजिया पदार्थ चारी खंद खंद सी, कि जिस तरह से लोभी व्यक्ति है वो अपने लोभ के ही पिंजरे में मर जाता है, उसी तरह से जो अलग अलग तरह के जो पदार्थ हैं वो भी व्यक्ति को बांध लेते हैं। कहे श्री हरिदास ते जीव पराभय जे गही रहे चरण आनंद नंद सी, जिसको नंद के चरण नंद नंद जी के पुत्र के चरणों के साथ में आनंद मिलता है ना, वही जीव जो है वह अपनी गति करता है, वह ही परमात्मा की जो शरण आ जाता है उसको ही उसका ही यह जन्म सफल होता है। स्वामी हरिदास जी ऐसा कहते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी आचार्य।